हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमारे घुटने में हड्डी में प्लेट लगी हुई है तो इसे कब निकाल दें, यानी आइडियल टाइम कब है जबकि घुटने में प्लेट को या स्क्रू को निकलवा देना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन और जॉइंट की जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है और आजकल लगभग लगभग हर फ्रैक्चर का ही जो इलाज है वो प्लेट स्क्रू रॉड से किया जाता है। प्लेट स्क्रू रॉड लगाने का फायदा ये होता है कि एक तो पेशेंट बहुत जल्दी मोबिलिटी में आ जाता है। पहले के ज़माने में जहाँ प्लास्टर लगाने के बाद दो दो तीन तीन चार चार महीने बेड पे रहना पड़ता था, आजकल तो ये होता है कि जैसे ही ऑपरेशन हुआ अगले दिन से आप वॉकर से चल सकते हो, दो तीन महीने में तो आप पूरे फिट हो जाते हो, काम पे ही आ जाते हो। तो इस प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी आई है इससे इलाज में फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक नया चैलेंज पैदा हो गया है कि जो आपके पैर में रॉड डल गई है उसको निकालना है, नहीं निकालना है, बचाना है, रखना है, क्या करना है, ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है। समय समय पे मेरे चैनल पे ऐसे कमेंट भी आते रहते हैं कि सर बताइए कि क्या करना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर देखिए आपको इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्लेट है और एक रॉड है। अगर रॉड हड्डी के अंदर से गई है तो उसे हमारी भाषा में ये कहा जाता है कि वो इम्प्लांट वेट शेयरिंग वेट बियरिंग इम्प्लांट है, यानी कि वो खुद ही वेट को बियर कर रहा है। तो ऐसे में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो इंट्रा बोन के अंदर जो इम्प्लांट्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं निकलवाना। यानी अगर आपके घुटने के अंदर रॉड है या पंजे के अपने जो टिबिया बोन है या फीमर बोन में रॉड है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर प्लेट है तो उसको हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि एक साल बाद निकलवा लेना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों उसमें थोड़े से क्राइटेरिया अलग भी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई तकलीफ़ नहीं कर रही है तो आप प्लेट को भी रख सकते हो। कई लोग ये कहते हैं कि सर प्लेट को रखेंगे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो मुझे कह रहे थे कि सर मुझे किसी ने बोला है कि अगर अंदर मेटल रहा तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि अगर आपको करंट लगे तो ज़्यादा करंट लगेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, करंट वरंट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी में प्लेट है ना तो वो आपको चुभ रही है ना कोई दिक्कत कर रही है तो आप उसको निकलवाना अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लो, उनकी खुद की पर्सनलाइज राय क्या है वो आप पूछ सकते हो। प्लेट निकलवाने के लिए मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि तीन चैलेंज आएंगे प्लेट निकलवाने में। पहला तो अगर आपको प्लेट निकलवानी है तो एक साल के अंदर अंदर आप निकलवा लीजिएगा। अगर आपने एक साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया, दो तीन साल गुजर चुके हैं, अब आप कह रहे हो कि डॉक्टर साहब मेरी प्लेट निकाल दो, तो कई बार प्लेट बोन से इस प्रकार से अंदर जुड़ जाती है कि आप पूरी जान लगा लो लेकिन प्लेट नहीं निकलती। और कई बार मैंने एक्सपीरियंस किए दोस्तों कि प्लेट निकाली लेकिन उसके साथ साथ बोन दोबारा टूट गई और एक उससे भी बड़ी प्लेट लगानी पड़ गई। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्लेट निकलवाने का जो डिसीजन है, इम्प्लांट रिमूवल जो डिसीजन है, वो आसानी से नहीं लेना है। डॉक्टर से स्पेशली डिस्कस करिए, टाइम पे निकलवा लीजिए। अगर आपको निकलवानी है तो साल डेढ़ साल एक मैक्सिमम टाइम है जिस पे निकलवा लेनी है। अगर आपने डेढ़ दो साल निकाल दिए, तीन साल हो गए, चार साल हो गए, उसके बाद आप कह रहे हो सर आप प्लेट निकाल दो, तो निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी कि जहाँ तक अपर लिम का ताल्लुक है यानी कि हाथ में, तो वहाँ तो आप बिल्कुल भी प्लेट निकलवाने की मत सोचिए क्योंकि यहाँ पर प्लेट कोई भी नुकसान नहीं करती है। अभी कुछ दिनों पहले कि मैं आपको एक घटना शेयर करता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे जिनकी हड्डी अच्छी खासी जुड़ गई थी, वो गए डॉक्टर साहब के, मुझसे उनकी बात हो नहीं पाई और उन्होंने जाके प्लेट निकलवा ली, घर आए हाथ रख के खड़े हुए दोबारा से फ्रैक्चर हो गया। तो ये चीज़ है दोस्तों, जब आप प्लेट निकलवाते हो तो कुछ दिन के लिए बोन कमज़ोर रहती है और रीफ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये रहती है कि इम्प्लांट रिमूवल तब तक मत करो जब तक या तो इम्प्लांट की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, या इम्प्लांट का कोई स्क्रू नहीं चुभ रहा हो, या फिर आपके इन्फेक्शन नहीं हो रहा हो। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो अननेसेसरी इम्प्लांट निकालने की मुसीबत मत मोल लीजिए। अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर कि ठीक है डेढ़ साल पे आपने बोल दिया इम्प्लांट निकलवा लेना, ये बताइए कितना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जनरली अगर इम्प्लांट रिमूवल में अगर बोन कमज़ोर नहीं हुई है तो कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अगले दिन से चल फिर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, जब भी इम्प्लांट निकलवाना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि इम्प्लांट हो सकता है आप लाख कोशिश करो नहीं निकले, और दूसरी बात रीफ्रैक्चर के चांस यानी दोबारा फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इन दोनों खतरों को उठा के ही अगर आप निकलवाते हैं इम्प्लांट तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सोच समझ के ही इम्प्लांट निकलवाना चाहिए। इसी तरह से हड्डी या बोन से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए कि आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।